नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। यहां नैनीताल के रामगढ़ जिले में बादल फटने से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से यहां कई घर गिर गए तो कई लोगों के फंसे होने की खबरें सामने आ रही हैं। बादल फटने और भारी बारिश के बाद पानी का सैलाब भी देखने को मिला, जिससे पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। रामनगर से रानीखेत जाने वाले मार्ग पर मोहन में लेमन ट्री रिसोर्ट में कोसी नदी का पानी घुसने से करीब 100 लोग फंसे हैं। हालांकि डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं नैनीताल की एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया है कि नैनीताल जिले के रामगढ़ गांव में बादल फटने की घटना हुई। जहां बादल फटा वहां से कुछ घायलों को बचा लिया गया है। हालांकि प्रभावित लोगों की तादाद कितनी होगी इस बारे में सही जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। आपदा राहत एवं बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। न्यूज एजेंसी के द्वारा जारी किए गए वीडियो में दिख रहा है कि नैनी झील ओवरफ्लो हो गई है और उसका पानी नैनीताल की सड़कों को डुबो रहा है। पानी इमारतों और घरों में घुस रहा है। इस क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर होने के बाद ब्रिज तक टूट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करने को कहा है। वहां मुख्यमंत्री ने राहत आपदा बचाव कार्यों में तेजी लाने की बात कही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।